हुमायूं नगर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा जारी है। अहमदनगर फसलासर इलाकों से करीब 36 नौजवानों को अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करके वारदातों को छोड़ा गया है। वाज़ह रहे कि पुलिस की जानिब से ऑपरेशन चबूतरा कर रहे हैं और बाहर आए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चबूतरों पर बैठकर मीटिंग किया करते हैं वो लड़कों की खैर नहीं। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों को बाहर ना निकलने दे रात में और उनकी काउंसलिंग करे और उनको समझाए, वरना पुलिस की कार्रवाई होगी, फिर केस भी दर्ज होंगे। देखना है कि पुलिस को और क्या कामयाबी होती है। शेख वायद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। एक बजे से 3 बजे तक एक ऑपरेशन चबूतरा बोल के हुमायूं नगर लिमिट्स में कंडक्ट करे, उसमें जो गली में रोड पे जो मीटिंग कर लेते बैठते आवारा पट्टों को, कुछ न्यूसेंस करने वालों को इधर लेके आए काउंसलिंग के वजह से। आज 36 मेंबर्स को लेके आए, उसमें से वो जो CDOT के एप्लीकेशंस के हिसाब से देखे तो 7 मेंबर्स कुछ क्रिमिनल से बात कर रहे से बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैसा पूरा 36 मेंबर्स लेके आए। इसके बाद काउंसलिंग वो बड़े लोगों को बुला के कुछ काउंसलिंग दे दे के उन लोगों को छोड़ देते। अभी घर वालों की मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, वो बच्चों को अच्छा काउंसलिंग दे देना, बाहर नहीं फिरना। आजकल एक ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब बड़े लोगों की मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चों को अच्छा मैसेज देना है, अच्छा काउंसलिंग देना है, गलत काम नहीं करना बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।